रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहते हैं प्यार और नफरत दोनों का कनेक्शन दिल से होता है। ऋत्विक और मेरी कहानी में भी दोनों थे। नफरत ऐसी कि एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, और जब नफरत प्यार में बदली तो प्यार भी ऐसा कि नफरत के लिए कोई जगह ही नहीं थी दिल में। अलग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दिल दो थे पर धड़कते एक साथ थे, एक दूसरे के लिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना पलक तो मैं मर जाता। यू गेट दैट? और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? ऋत्विक नून, विल यू मैरी मी? मुझे चिंता है इस बात की कि ये लड़की तेरा दिल तोड़ेगी, ठीक उसी तरह जिस तरह एक औरत ने मेरा दिल तोड़ा। तेरी भी बहुत चालाक है, वो जानती है कि एक ना एक दिन तेरा बाप इमोशनल होकर तुझे वापस ले लेगा और फिर वो तेरे पैसों पे ऐश करेगी। तब तक वो अपने बॉस के साथ ऐश करेगी। That's enough, Dad! हम मैं वापस यहाँ नहीं आऊंगा। आज तक मैं बस यही प्रूफ करने में लगा रहा कि क्या सही है और क्या गलत। बट यू नो व्हाट, I'm done, Dad. विजय का क्या, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जब तक रिक्की तुम्हारे साथ है उसे भी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बताओ मैं क्या करूं? छोड़ दो रिक्की को। Please, I beg of you. We're having an affair. शादी वादी जब तक ठीक थी, जब तक हम ऋत्विक नहीं थे। तुम सब औरतें एक जैसी। I'm pregnant. और ये बच्चे तुम्हारे नहीं है। तुमने उसको झूठ क्यों कहा? क्योंकि इसी झूठ को ही सच मानता है वो। वो कभी अपनी मॉम के देवे धोखे से बाहर नहीं निकल पाएगा और ये रिलेशनशिप कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। I'm dying. लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर है। मेरे परिवार को एक करते बेटा, मेरे ऋत्विक पलक को मिला दो। नफरत है मुझे उससे, मेरी जिंदगी की हर भी याद का हिस्सा है वो। अगर वो और उसकी यादें ना होती तो आज मेरे बाकी रिश्ते मुझसे जुदा ना होते। God damn it, ये she had kids with that bastard. जाके करा लो डीएनए टेस्ट, तसल्ली कर लो, तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे हो, समझे? आयुष पलक को समझने में तू गलती नहीं कर रहा है। पलक वॉज प्रेग्नेंट विद योर किड्स, ऑलराइट, और विक्रांत ने उसको डंप किया। पर अगर उसको पैसों की जरूरत होती तो उसी वक्त आ जाती ना तेरे पास। मुझे भी मेरे कर्मों का फल मिलना चाहिए बेटा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हें और पलक को अलग रखा, तुझे तेरे बच्चों से 6 साल तक अलग रखा। गलती मेरी भी। आप दोनों को करीब लाने के लिए मैंने इन दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया। मैं गई थी पलक के पास। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पलक। भगवान ने हमें एक सेकंड चांस दिया, इस जिंदगी में हमें वापस मिलाया है दूसरी बार। एंड आई डोंट थिंक ये एक मिरेकल से कम है। आई वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। तुम्हारे साथ अकेले बहुत सारा वक्त गुजारना चाहता हूँ मैं। दिलवालों का शहर दिल्ली और वहाँ के सबसे बड़े दिलवाले नून्स, यहीं से शुरू हुई थी मेरी परफेक्ट सी इम्परफेक्ट लव स्टोरी। इस लव स्टोरी में है पूरा नून परिवार। अच्छा मेरी एंट्री कब है? अरे ड्रेसेस लेके आओ, जल्दी जल्दी काम करो। ये वाला यहाँ लेके आओ। ये ड्रेस अच्छी है। ओह हटो। ओह शिवम माँ से लेना। देखो ऐसे लगेगा। Come on, come on, पलक ready? क्या कर रहे हो? लेट हो रहे, स्कूल नहीं जाना है? रोहित आज रात को नून्स के घर में पार्टी है, चलना है ना? नून्स पिछले 2 सालों में उनके साथ क्या क्या हुआ है ना, सब मैं ही जानता हूँ। सब कुछ बदल गया उनके लाइफ में, इसलिए तुम्हारा उनकी हर छोटी खुशी में होना जरूरी है। सेतु इतना उतार चढ़ाव है ना उनके लाइफ में, आई डोंट थिंक आई कैन। यही तो ऋत्विक और पलक की लव स्टोरी है, जब भी मिले तूफानी लाए। ओए रेड एंड व्हाइट, याद है ना आज वो दिन है? भूल गई ना? तुम्हें कैसे पता? अरे मॉम सुबह से 4 बार बोल चुकी है, साड़ी बांध के तैयार बैठी हुई है, आज नहीं बचने वाली तुम। I can't do this. What do you mean? तुम्हें बहुत शौक था ना शादी करने का, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ। मैं मुंबई जा रहा हूँ, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, यू डील विद। वो स्टेप्स आप प्रैक्टिस करो, आप 100% भूलोगे, मुझे भी गिराओगे, ऐसे नहीं होता। पलक 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 पलक, चलो बेटा रेडी, लेट्स गो। चलो 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 चलो। हाँ मैं आपको विश करने भूल गई।
दादी आप जियादिया को स्कूल ड्रॉप कर दोगे प्लीज? हाँ बेटा कर दूंगी। थैंक यू, मैंने तुम्हारी मैथ की कॉपी रख दी और बॉटल भूल के मत आना, ठीक है? ये मम्मा प्लीज ना, आप हमें लेने आना। मैं देखूंगी यार, ये विटामिन सी की टैबलेट्स खत्म हो गई, वैसे बच्चों के पीछे घूम घूम के पूरी थकान रहती है, इम्यूनिटी भी लो हो जाएगी मेरी। दादी मैं आपको मेडिसिन लिख दूँ, प्लीज आप आते वक्त ले आना। बेटा अब ये दवाएं खाना बंद कर दे। नहीं दादी आप समझ नहीं रहे, बहुत जरूरी है। मुझे ना अमन बता रहा था कि कोई प्रोबायोटिक ड्रिंक मिलती है, वो पेट के लिए बड़ी अच्छी रहती है, आप ले आना, एक आप भी ले लेना। पलक बाय दादी। बाय बाय बाय। भाभी 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 रुको ना यार, ये ब्रेसलेट पहना दो प्लीज, नहीं लग रही मुझसे। वैसे भाभी आपको याद है वो लड़का जिस पे मुझे क्रश था? संजय अंकल का बेटा अक्षय। यार मुझे पता चला वो तो शादीशुदा है ऑलरेडी। तेरे अभी भी क्रश चल रहे हैं? You're 24 now. दो साल हो गई है, सिंगल है, नॉर्मल तो है ना। मेरे को ना पता है इसका क्या सीन लग रहा है, कुछ उल्टा ही होने वाला है। एक लड़की को देखा टाइप हो गया ना, पा तो फेंट ही हो जाने वाला। एक्चुअली मुझे क्या लगता है ना, आपके जो ओवर पोजेसिव डैड है ना, उन्होंने ये रूमर जानबूझ के फैलाया है ताकि कोई लड़का आपके आसपास भटक ही ना पाए। मैं अब भी जाके देखती हूँ डैड को। डैड पलक पलक पी क्यों नहीं लेती है सैनिटाइजर? तू ट्राई किया था, अच्छा नहीं था। पागल हो गई है क्या? सेतु आई हैव टू, दिल्ली में कितना पोल्यूशन है, जर्म्स है, पार्क में अवॉइड करने के लिए करना पड़ेगा ना। तीको चाहिए मैं दूं? नहीं थैंक्स, आई एम रियली वरीड अबाउट योर हाइपोकॉन्ड्रिया यार, ऐसे थोड़ी कोई करता है, यू डोंट नीड टू स्ट्रेस सो मच। तो मुझे बहुत स्ट्रेस है, मुझे लग रहा है मुझे हीट रैशेस भी हो रहे हैं, मैं डॉक्टर के पास चली जाती हूँ। मुझे मॉम को अवॉइड भी करना है, मैं डॉक्टर के पास चली जाती हूँ, बेस्ट ऑप्शन है। एक छोटा सा पिंपल है, मुझे लगा मुझे बेसल सेल कार्सिनोमा हो गया है। ये इंटरनेट पे ना नई नई बीमारियां ढूंढना बंद कर। वो पिंपल होता तो अब तक चला जाता ना, अभी तक गया क्यों नहीं? क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारे दिल और दिमाग में है। हाय डॉक्टर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। अच्छी हूँ। ओके आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। जी तुम सुबह से मुझसे भाग रही हो, आज तुम्हारा ड्राइविंग टेस्ट है और तुम टेस्ट देने जाओगी। कब तक डरोगी बेटा, उस एक्सीडेंट को भूल जाओ। गेटिंग पैरानॉइड, खुद को लेकर, अपने पूरे परिवार की हेल्थ को लेकर आए दिन तुम ब्लड टेस्ट करवाने पहुंच जाती हो। पलक मुझे ना डर बैठ गया आप लोगों को खोने का, ऋत्विक बच्चे आप लोग, सोचती हूँ ना तो ख्याल से ही। आई अंडरस्टैंड मॉम, आई कांट डू दिस प्लीज। पलक ऐसे नहीं कर सकते, प्लीज मॉम, मॉम मॉम प्लीज। पलक सुनो, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, दुख सुख सब आते हैं, इंसान को उभर कर उससे निकलना पड़ता है। जिंदगी को अपने हाथों में लो बेटा, यू गॉट टू सिट ऑन दैट ड्राइवर्स सीट एंड गेट द स्टीयरिंग व्हील इन योर हैंड, टेक दैट टेस्ट। कुछ बताते क्यों नहीं है यार, हर बार ऐसा थोड़ी ना चलता है यार, it gets annoying. अरे नहीं वो इनफैक्ट वो क्लब वाली लोकेशन भी अच्छी है, वहाँ चल अच्छी के... लोकेशन की बात हो रही है यार, पता है क्या प्रॉब्लम है, उनको ना मेरे पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जब देखो शिवम शिवम शिवम। अरे नहीं बाबा वो भूल गए होंगे ना, बताना वो हर बार भूल गए होंगे अमन। लूजर शिवम। हाउ शुड आई पनिश यू? Harder. It's BDSM, baby. जितने शेड्स ग्रे होंगे
उतना ही मजा आएगा। तुम्हें पता है, तुम जैसे यंग बॉयज अपनी उम्र से बड़े लड़कियों को क्यों लाइक करते हैं? बहुत कुछ सीखने मिलता है। रियली? That's not my phone. I know. Pa, meeting थी, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया। Just untiming. तू उन्हें बता क्यों नहीं देता? That you don't want to do business. Your passion is music. इतना आसान नहीं है। दो दिन में तेरा gig है। सारी जगह पे तेरे pictures आएंगे। तब देख लिया तो क्या करेगा? अरे यार तब का तब देखेंगे, अभी just untiming. I need to rush. चलो गुड गर्ल, चलाओ, तुम कर लोगी पक्का। हाँ शनाया, क्या प्रॉब्लम है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मोटिवेट करने आया हूँ, उसके बिना तो तुमसे कुछ होता नहीं है। चलो मॉम आ जाएगी, लेट्स गो। नहीं। अरे मॉम के हिसाब से मैं मुंबई के लिए निकल चुका हूँ। उन्होंने कहा था कि शॉपिंग लेके जाओ, मैंने कहा था कि नहीं मैं बिजी हूँ। और अब वो तुम्हारे साथ देखेंगे तो बोलेंगे कि बीवी के लिए टाइम है लेकिन माँ के लिए नहीं। लड़कों के लिए ना ये सब बैलेंस करना ज्यादा मुश्किल होता है। नहीं मैं नहीं ड्राइव कर सकती। क्यों? मुझे वो दिन याद आ जाता है। मुझे खोने का डर है ना, तो इसी डर को, इसी फियर को आज हम ओवरकम करेंगे। बेल्ट, कम ऑन, ट्रस्ट मी। सुन, योर मिशन इज टू मेक श्योर कि मैं सेफ हूं। अगर मुझे खोने का डर सबसे बड़ा डर है तो मुझे बचाओ। गाड़ी चलाओ। अरे रोज आओगे खेलने, सब सिखा दूंगा, मैं सिखा दूंगा। What do I do, यार? Too good. मेरा backhand दिखा? सब दिखता है। जान मुझके हाथ, तुम ये भी दिखा। मेरे आने से उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, तो आने इज आल्सो ओके। सेव मी द सेंटी। यार वो पहले अपने आप को भगवान समझते हैं। He thinks he's God, यार। पाको और सिर पे मत चढ़ाओ, प्लीज। Hey, pa. Thank you. नून जेवी के लिए तैयार है, पर कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 3 साल का होगा। नाम हमारा होगा और इन्वेस्टमेंट आपका। पर रिस्क इसमें आपका कम है। नून्स का नाम जुड़ेगा, और हमारे नाम के जुड़ने से बड़ा कोई रिस्क नहीं होता। Okay, done. Let's go for it. मीटिंग इज ऑन ना? ऑन होके ओवर भी हो गई, अब आ रहा है। पा इज गोइंग टू किल मी मैन। विक्रांत था ना, उसने सब कुछ संभाल लिया। आज का हीरो है भाई वो। एग्जैक्टली। बहुत सही काम किया उसने। तो कुछ मत करियो। To my beautiful, brave and strong daughter-in-law, congratulations! Congratulations! आखिर में पलक ने अपना driving test pass कर लिया, finally! Finally, finally! यार, वो dry cleaners के पास ना मेरे कपड़े पड़े हैं, जरा pick up कर लेना। और dry cleaners के रास्ते में मेरा घर तो आता ही है, please मेरे बच्चों को pick करके tuitions पे छोड़ देना, please! हाँ और भाभी, वापस आते time मुझे इस pass से pick up करना। Mom, आपका क्या काम करते? तो मेरी गाड़ी ले जाओ। आए, आए। थैंक यू ऋत्विक, मैं तुम्हारे बिना ये नहीं कर पाती। हेलो, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू, थैंक यू। ये मेरे लिए? ये आपके लिए। अनन्या? हाँ? ये देखो वो जो लड़की है ना नीचे,
हाँ वो वाली ना यार, वो कब से मुझे घूरे जा रही है, कहीं डैड ने सच में तो नहीं रूमर्स फैलाया दैट आई लाइक गर्ल्स? रियली? शी इज हॉट मैन, यू शुड ट्राई इट। जस्ट बाय द वे आई एम स्ट्रेट। इसी वजह से मैं डैड से अपनी लव लाइफ के बारे में कुछ शेयर नहीं करता हूँ। मुझे तो लगता है पाक को ना प्यार से ही नफरत है। लेकिन एक सेकंड, फिर हम कैसे पैदा हुए? प्लीज, हम यहाँ पे अपने पेरेंट्स की लव लाइफ नहीं डिस्कस कर रहे। लेकिन हम हमारी लव लाइफ तो डिस्कस कर ही सकते हैं। अच्छा शुभम, हाय हाय शिवा, क्या हो रहा है ये सब? अब कुछ नहीं दादी, पेन हो रहा है। ओ दादी। अरे दादी, मैंने वो पलक भाभी से सीखा है एक्यूप्रेशर। और अमन भाई बता रहे थे कि आपके पैर में भी दर्द है। अरे 24 घंटे का दर्द है। अरे मैं बहुत अच्छा एक्यूप्रेशर करता हूँ, पूछो ना, आई मीन डैड से, मैं दे दूँ? अरे बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ, चल अभी चल के तेल मल दे मेरे पैर। हाँ दादी, बहुत अच्छा मसाज होता है, जाना अभी। हाँ वाह वाह, पलक सिंह किसी से छा गए, ड्राइविंग टेस्ट पास करते हैं उसी, वेरी गुड। मुमकिन नहीं था ये सफर तुम्हारे बिना। मेरी बीवी, बीवी कभी तो मायके चली जाओ, एक पल मिले तुम्हारे पे। मारो मारो सारे। तो गाइस, आज विजय अंकल और ममता आंटी की 30th वेडिंग एनिवर्सरी की खुशी पर आ रहे हैं नून विद ऑल द जुनून टू सेट द फ्लोर ऑन फायर। इस दिल को कैसे समझाऊं कि तुम नहीं हो, फिर भी यहीं कहीं हो। भगवान ने हमें एक सेकंड चांस दिया, इस जिंदगी में हमें वापस मिलाया दूसरी बार, एंड आई डोंट थिंक ये एक मिरेकल से कम है। आई वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। तुम्हारे साथ अकेले बहुत सारा वक्त गुजारना चाहता हूँ मैं। पलक स्टेबल है लेकिन ऋत्विक, कहते हैं जिंदगी और मौत एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, शायद उनका नाता भी वही है जो मोहब्बत करने वालों का होता है। जिंदगी को अपने आप को खोना पड़ता है मौत को पाने के लिए, और मौत जिंदगी के रहते कभी उसकी खो ही नहीं पाती। दोनों एक साथ तो है पर कभी मिल नहीं पाते। पलक, आज वो दिन है और ममता आंटी तुम्हें पूछ रही थी। मुझसे नहीं होगा विक्रांत। अरे हो जाएगा। और जिंदगी और मौत में अगर फर्क है तो वो है बस एक पल का, दिल की एक धड़कन का। वैसे ही मेरी और रब्बी की कहानी है, जिंदगी और मौत की तरह हम भी जुदा हैं, बस एक धड़कन की दूरी। तुम्हें बताओ ऋत्विक, ऐसे संभालो इस दिल को जो तुम्हारे बिना धड़कने को राजी ही नहीं। आखिर दिल दिल ही तो है।